नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ईगल प्ले में। दोस्तों आज ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। 12 अगस्त को जियो ने अपने एनुअल जनरल मीटिंग पे कुछ ऐसी चीज़ें अनाउंस किए हैं जिसको सुन के आप सबका दिल खुश होने वाला है। आप सबको एक एक 4K TV सेट फ्री में मिल सकता है। इंटरनेट स्पीड 1 GBPS होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखो। उस एनुअल मीटिंग पे जो भी चीज़ें अनाउंस हुए हैं उसमें से जो भी चीज़ें हाइलाइटेड थी आप लोगों के लिए काम आने वाला है उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आप तक वो नए फीचर्स कब तक पहुंचेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या करना रहेगा, वो भी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता लेगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आने पर अपनी तरफ से एक लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखो दोस्तों, 12 अगस्त को रिलायंस का 42nd एनुअल जनरल मीटिंग हुआ, AGM। जियो अपने 3 साल पूरा करने वाला है कॉमर्शियली 5 सितंबर को। जियो ने यह भी बताया कि अपकमिंग मंथ्स और ईयर्स में जियो अपने यूजर्स को बहुत सारे नए फीचर्स और नई चीज़ें देने वाला है। कुछ नंबर्स का जियो ने बात किया, जैसे 3 साल में जियो ने 340 मिलियन यूजर अपने जियो फैमिली में जोड़ चुके हैं, यानी कि 34 करोड़ यूजर जियो के पास हैं। और हर महीने ये लोग 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जियो के साथ जुड़ते जा रहे हैं, यानी कि 1 करोड़ लोग हर महीने जियो के साथ जुड़ रहा है। और आज जियो इंडिया का नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर है और दुनिया का 2nd लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है जियो। पिछले साल इंडिया में रिलायंस ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों जगह पे। सबसे मेन चीज़ जियो ने जो इस मीटिंग पे अनाउंस किया वो है जियो गीगा फाइबर। अब ये जियो गीगा फाइबर अपने यूज़र को कॉमर्शियली जियो 5 सितंबर से देने वाला है। इसका अनाउंसमेंट पिछले साल ही हो गया था कि जियो गीगा फाइबर लॉन्च करेगा, लेकिन ये कमर्शियली लॉन्च होगा 5 सितंबर 2019 को। जियो गीगा फाइबर का बेसिक स्पीड होगा 100 Mbps, US का एवरेज इंटरनेट स्पीड है 90 Mbps और जियो गीगा फाइबर का सबसे कम इंटरनेट स्पीड होगा 100 Mbps और ये 1 GBPS तक जा सकता है। और इसका जो प्लान जियो ने अनाउंस किया, इसका ब्रेकडाउन अभी तक अनाउंस नहीं किया, लेकिन एक रेंज जियो बता दिया है कि आप अगर 700 रुपये पर महीने देते हो तो आपको बेसिक प्लान मिल जाएंगे, और आप अगर 10,000 पर महीने देते हो तो आपको सबसे हाईएस्ट प्लान यानी कि 1 GBPS करके मिलता रहेगा। आप अगर जियो गीगा फाइबर का कनेक्शन लेते हो तो आपको एक लैंडलाइन फ़ोन भी मिलने वाला है जिसको यूज़ करके आप लोग इंडिया में कॉल्स फ्री में कर पाओ। डिजिटल सेट टॉप बॉक्स भी आपको दिया जाएगा जिसके मदद से आप लोग वीडियो कॉलिंग, ग्रुप वीडियो कॉलिंग, लाइव TV चैनल्स, फिर गेम्स वगैरह सब कुछ खेल पाओगे। और एक बात जो जियो ने बताया कि वो लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे फोकस करेंगे, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप लोग यूज़ करती हो डे टू डे लाइफ में वो जब इंटरनेट के साथ जुड़ जाता है तो उसको हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। अभी देखो इसके ऊपर भी जियो काम करेगा। तो आप सोच सकते हैं कि आप अपने घर पे TV, रेफ्रिजरेटर, AC, स्मार्टफोन वगैरह यूज़ करते हो, अब अगर इंटरनेट के साथ जुड़ गया तो कितना इफिशियंट हो जाएगा सब कुछ चीज़ें। जब पिछले साल जियो ने गीगा फाइबर के बारे में अनाउंस किया था तब से लेके आज तक जियो के पास 15 मिलियन यूजर्स जो है ऑलरेडी एप्लीकेशन भर चुके हैं, तो डिमांड आप सोच सकते कितना ज़्यादा है। 1.5 करोड़ लोग ऑलरेडी जियो के पास एप्लीकेशन भेज चुके हैं कि उनको जियो गीगा फाइबर का कनेक्शन चाहिए। अभी जियो के लिए एक चैलेंज ये ज़रूर रहेगा कि वो इंडिया के हर घर तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। अभी इंडिया में सिटी से ज़्यादा गाँव हैं और हर एक गाँव में हर एक घर तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन को पहुँचाना किसी भी कंपनीज के लिए ये पॉसिबल हो नहीं पाया। इसलिए आप देख पाओगे कि जो इंडिया के Tier 1, Tier 2 सिटीज रहते हैं उन्हीं पे जाके आपको इंटरनेट का ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलता है, लेकिन आज के डेट में बहुत सारे गाँव में ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं जिनको ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए लेकिन कोई कंपनीज उन तक पहुँच नहीं पाता, इसीलिए वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज का फायदा नहीं ले पाते, इंक्लूडिंग मी। तो अगर जियो इंडिया के हर एक घर तक पहुँच पाता है, मतलब कि जो भी जियो के घर का कनेक्शन चाहता हो उसके घर तक अगर जियो पहुँच पाया तो वो बहुत बढ़िया बात हो जाएगा। जियो ने एक चीज़ और अनाउंस किया कि आप अगर एक जियो गीगा फाइबर का एनुअल प्लान खरीदती हो तो उसके साथ साथ में आपको एक 4K TV फ्री में दिया जाएगा विथ 4K सेट टॉप बॉक्स को यूज़ करके आप लोग वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी दोनों का ही मज़ा ले पाओगे। आप लोगों को वीडियो गेम्स खेलने के लिए अभी एक्स्ट्रा प्लेस्टेशन या फिर एक्सबॉक्स खरीदने का ज़रूरत नहीं है। जियो का जो सेट टॉप बॉक्स आपको दिया जाएगा उधर ही आपको बहुत सारे गेम्स इंस्टॉल करने को मिलेगा, आप इंटरनेट के भाया और लोगों से गेम्स खेल पाओगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जियो ने अनाउंस किया वो है फर्स्ट डे फर्स्ट शो का। अभी कोई भी मूवी अगर लॉन्च होता है तो आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो कहाँ देखने को मिलता है, कोई भी नियर बाई थिएटर में जाके। लेकिन वही चीज़ अगर आपको सेम टिकट प्राइस देके आपके स्मार्टफोन पे या फिर TV पे देखने को मिल जाए वही मूवी जब भी लॉन्च हुआ उसी दिन, तो कैसा रहेगा। इस चीज़ को भी जियो पॉसिबल करने वाला है, लेकिन अभी नहीं, mid-2020 तक आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे और उसके मदद से आपको जियो के भाया
जो भी मूवी लॉन्च होंगे फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे ही आप लोग उसे देख पाओगे। कोई भी मूवी जब लॉन्च होता था तो आपको थिएटर में देखने को मिलता था, फिर उसके 3-4 महीने के बाद आपको प्राइम वीडियो पे या फिर नेटफ्लिक्स पे उसको देखने को मिल जाता था HD क्वालिटी में। लेकिन जियो आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का मौका देगा HD क्वालिटी में, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने रहेंगे। और ये चीज़ जियो कैसे करने वाला है वो तो आपको 2020 में ही पता लगेगा। बहुत सारे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है जैसे हॉटस्टार हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, जियो ने ये हिंट दिया है कि आपको उन सब की सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिल जाएगा अगर आपके पास जियो सेट टॉप बॉक्स होगा। फिर आपको अलग से उन सब चीज़ों का सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी कंटेंट उन प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च होंगे आपको वो अपने घर बैठे ही देखने को मिलेगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। अभी बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए, जैसे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया है आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट्स है वर्ड हो गए, एक्सेल हो गए, वो सब कम दाम पे देने के लिए। लेकिन जो हाईलाइटेड चीज़ें था वो मैंने आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या राय है इसमें, और आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें जब लॉन्च हो जाएगा तो ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ग्राउंड पे भी उतना अच्छा होगा कि नहीं, वो सब चीज़ें आप लोग मुझे प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट में बताना। अगर ये सब चीज़ें सही में हो जाता है तो जियो ने जो क्लेम किया है कि इंटरनेट डेटा के मामले में इंडिया भी फॉलो नहीं करेगा बल्कि दुनिया को लीड करेगा, वो सही में हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, वीडियो में बताए हुए सभी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना ताकि सबको जियो का जो AGM पे हाईलाइटेड चीज़ें थे वो सब जानने को मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में के लिए खुश रहिएगा।